हेलो गाइस। तो इंडिया से आने के बाद सबसे पहले हमने खोला ये बैग, जिसको खोलने का हमें इंतज़ार पता नहीं कब से था। इसमें हम लेके आए हैं भगवान जी की मूर्तियाँ, वैसे तो और भी सामान है जो मैंने वहाँ पे ख़रीदा था, बट सबसे पहले मुझे भगवान जी की मूर्तियाँ इसमें से निकालनी थी, क्योंकि एक टेंशन बनी हुई थी कि मूर्तियाँ हम इस बार चेक इन बैग में लेके आ रहे हैं वो सही सलामत यहाँ पहुँचेगी कि नहीं। तो इस कारण हम काफ़ी डरे हुए थे। हर बार मैं मूर्तियाँ लाती थी तो हैंड बैगेज में लेके आती थी। ये सारी मूर्तियाँ चेक इन बैग में रख के लेके आए हैं ये सारी। और ये एक माता रानी की मूर्ति है, अकेली बड़ी सी, जो सिर्फ इसे एक बैग में रख के ले। इन सबको खोलने के लिए जो सीज़र अभी यूज़ करेंगे वो भी नया, एक्चुअली ये सीज़र मैं लेके आई हूँ अभी इंडिया से। सारी मूर्तियों को खोलेंगे। इस बार हैंड बैगेज में सिर्फ एक ही मूर्ति आ पाई, क्योंकि वो बड़ी मूर्ति थी, तो इसीलिए हमें चेक इन बैग में बाकी की मूर्तियाँ लानी पड़ी। मेरे घर के मंदिर में कुछ मूर्तियाँ हैं, जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी की, तो ये POP की थी, तो ये मैं दिवाली की पूजा में यूज़ कर सकती हूँ। बाकी यहाँ के लिए मैंने दूसरी गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके आई हूँ। माता रानी की मूर्ति फाइबर की थी और मुझे थोड़ी बड़ी मूर्ति चाहिए थी, तो वो भी मैं लेके आई हूँ। तो ये माता रानी की मूर्ति सबसे पहले खोली, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। और ये है मूर्ति माता रानी की, जो बब्बर शेर के साथ है। मुझे ऐसी मूर्ति चाहिए थी माता रानी की, बड़ी और बब्बर शेर के साथ। सारी मूर्तियों को मैं हटा के उनको ढक के रखने वाली हूँ। जो पूजा पाठ में हम लोग अलग से मूर्ति स्थापित करते हैं तब इनकी पूजा होगी। और गणपति जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके आए, क्योंकि मेरे पास POP की गणपति जी और लक्ष्मी जी थे, तो डेली की पूजा के लिए मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, खंडित होने का डर लगा रहता है, तो इसीलिए ऐसी मूर्तियाँ लेके आई हूँ। और हनुमान जी की मूर्ति इस साइज़ में मुझे चाहिए थी, मतलब 7 इंच की, तो मेरे होम टाउन में बड़ी मूर्तियाँ थी तो मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था। शिव परिवार, ये भी मैंने 8 इंच में ख़रीदा है। मेरे पास पहले से जो शिव जी की मूर्ति थी उसमें कार्तिक जी नहीं थे, तो मुझे ऐसी मूर्ति चाहिए थी जिसमें कार्तिक भगवान भी हो और साथ में शिवलिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि अलग से मैं शिवलिंग घर पे रखना नहीं चाहती हूँ बहुत सारे नियमों की वजह से। तो इसीलिए इस मूर्ति में शिवलिंग भी है और कार्तिक भगवान भी है। शिव परिवार की एक दूसरी मूर्ति भी थी जिसमें शिवलिंग की जगह पे मोर थे और भी कुछ कुछ अलग डिज़ाइन था, बट मैंने वो नहीं लिया। वो हालांकि नया डिज़ाइन था, लेकिन ये वाले डिज़ाइन भी मार्केट में बहुत चल रहे हैं अभी, हर जगह ये भी था और वो नया डिज़ाइन भी आया हुआ था, बट मुझे लगा कि मैं शिवलिंग वाली लेती हूँ जिसमें कार्तिक भगवान भी और शिवलिंग भी है। और ये सरस्वती माता की मूर्ति, ये थोड़ी सी साइज़ में बड़ी आ गई, हालांकि सोचा कुछ और था बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए ऐसा हुआ। और कामधेनु गाय की मूर्ति मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। एक्चुअली मुझे राधा जी और कृष्ण जी के साथ कामधेनु गाय चाहिए थी, लेकिन उस तरह की मूर्ति में गाय की शेप अच्छे से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने अलग से लिया। और राधा जी कृष्ण जी की जो मूर्ति मैंने लिया था वो मैं छोड़ के आई हूँ, अगली बार लेके आऊंगी। और अभी जन्माष्टमी आ रही है तो मुझे गाय की मूर्ति अलग से चाहिए थी, इसलिए मैंने लिया। वैसे अभी जो भी मूर्तियाँ मैंने शॉप से खरीदी है, इनफैक्ट माता रानी की भी सेम मूर्ति मैंने अमेजोन पे देखा, सब आपको ऑनलाइन ऐसी मूर्तियाँ मिल जाएगी। हाँ, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा नहीं एक्चुअली डबल है, बट ऐसी सारी मूर्तियाँ आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हो, बिल्कुल सेम मिल जाएंगी। गाइस, आज अभी हम लोग आए हैं नवनिया के स्कूल, इनका यूनिफॉर्म वगैरह कलेक्ट करना था, न्यू क्लास में अब जाएंगे ना, तो दोपहर का टाइम है, बहुत धूप है, जा रहे हैं यहाँ से ले लेते हैं जो जो चीज़ें आज मिलेंगी वो। हो गया, हमने यूनिफॉर्म और बुक्स ले लिया। सारे गणपति जी देखिए जो ढके हुए हैं, सब बुक हो चुके हैं। अभी हम लोग मधुर आए हैं, कुछ चीज़ें लेनी है। इतने सारे गणपति जी हैं यहाँ, उधर देखिए, इधर सारे इको फ्रेंडली हैं, इधर जितने भी हैं। अनिमेश तो चीज़ें ले रहे हैं जो वो लेने आए थे, तो मैं देख रही हूँ, तब तक अच्छा लग रहा है देखने में। इस बार कुछ सोचा भी था, पता नहीं शायद नहीं पूरा हो। सब मधुर में हम जो सारी चीज़ें लेने आए थे हमने ले लिया, और ये लोग कुछ कुछ खा रहे हैं यहाँ पे। रसमलाई बहुत पसंद है नहीं आपको, तो रसमलाई खाएगी फिर यहाँ से मैं डॉक्टर के पास जाना, एक्चुअली मेरी अपॉइंटमेंट है। ये एक बहुत ही टेम्पटिंग सा दिख रहा था इंद्रानी कप, तो लेके आए हैं निमेश। हेलो गाइस, तो हम लोग गए थे नवनिया के स्कूल, वही बुक्स यूनिफॉर्म वगैरह कलेक्ट करना था, फिर हम लोग मधुर कुछ चीज़ें लेनी थी, और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, मेरी अपॉइंटमेंट है। तो नवनिया नहीं जाना चाहते थे, हमने कितना भी बोला तो बोल रहे थे कि नहीं, हम हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, नहीं बैठेंगे, हमें खेलने, तो दोनों थोड़े बड़े हो गए, उनको मन नहीं लगता है वहाँ हॉस्पिटल में, हम लोग अंदर चले जाते हैं हम दोनों।
चेयर पे, तो कैमरा लगा हुआ है वैसे घर पे, तो बोल रहे थे नहीं चलो चलो, नहीं मान रहे थे, तो हमने दोनों को बोला ठीक है रूम में बैठ के खेलो, हम लोग आते हैं तो खेल रहे हैं दोनों, मैंने देखा है अभी कैमरा में। तब बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, हमें तो हॉस्पिटल जाना जरूरी है, अभी तो लगा रहेगा ये, देखती हूँ आज डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो बस चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। आ गए हम लोग घर वापस, और मैं इधर से आई सर्विस लेफ्ट से, तो इन लोगों को हमने कॉल किया था दो तीन बार, तो इनको पता चल गया हम लोग आ रहे हैं, लोग नीचे चले गए थे लॉक करके। मैं पहले आ गई इधर से कि इन लोगों को सरप्राइज दूंगी, ये लोग नीचे गए, मुझे पता था लोग बोल रहे थे कि हम लोग नीचे आ रहे हैं, जब हमारी बात हो रही थी गाड़ी से, तो अनिवेश ने बोला तुम सर्विस लिफ्ट से चले जाओ, मैं बोलूंगा कि मम्मी नहीं आई, ये पहले ही गेट बंद करके लॉक करके चले गए नीचे, मैं ही खड़ी रह गई यहाँ पे 5 मिनट। अकेले मजा आया हाँ ना, मजा आया नहीं। आज है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। रक्षाबंधन में हमारे यहाँ भगवान जी की पूजा की जाती है और एक अलग टाइप की राखी चढ़ाई जाती है भगवान जी के पास। बहुत सालों के बाद मैं ऐसा राखी लेके आई हूँ, क्योंकि इंडिया गई थी इस बार, तो मेरी बहन ने एक्चुअली मुझे याद करवाया, उसी के साथ मैं मार्केट गई थी, तो उसने बोला भगवान जी के ऊपर ऐसी राखी चढ़ाई जाती है। पहले मैं अपने घर पे देखती थी, बट काफ़ी सालों से ऐसी राखी मुझे मिल नहीं रही थी, तो जो नॉर्मल राखी होती है मैं वही चढ़ाती थी, बट इस बार मैं लेके आ गई और वही चढ़ाया भगवान जी को। जैसा कि आप सबको पता ही है, मेरा अपना कोई भाई नहीं है, काफ़ी सालों से मैं भगवान जी के पास ही राखी रखती हूँ। बचपन में जब छोटे थे हम लोग, तो कज़न वगैरह को राखी बांधते थे, बट अब तो सब अपनी अपनी जगह पे हैं और ऐसे मिलना भी हो नहीं पाता है, जहाँ राखी भेजनी होती है वहाँ बस भेज देते हैं, ऐसे ही चल रहा है। अब मुझे नब नया के लिए एक्साइटमेंट होती है और उन लोगों को भी काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि अब उन्हें राखी का त्यौहार समझ में आने लगा है, तो दोनों बहुत एक्साइटेड हैं और मैं उनके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जब हम लोग यहाँ पे दुबई आए थे तब सावन चल ही रहा था, तो नई मूर्तियों की स्थापना मैंने सावन में ही कर दी थी, गंगा जल से मूर्तियाँ शुद्ध करके, और अभी मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। रक्षाबंधन वाले दिन कुछ ऐसा था कि 1:30 बजे तक राखी नहीं बांध सकते हैं भद्रकाल की वजह से, तो उसके बाद ही राखी सेलिब्रेट करेंगे। ये एक राखी आई है नव के लिए, नव की बहन मोही की तरफ से, तो अब इसको खोलेंगे। निया अपने भाई को राखी बांधते चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा हर एक शाम अधूरी। कभी मुझसे है बड़ी माँ जैसी तू, कभी तो ये गिफ्ट्स हैं नब की तरफ से निया को। निया को एक्चुअली जो टॉयज चाहिए थे तो नब ने वही दिया उसको, निया के पसंद के टॉयज हैं।
ये दो टॉयज है नब की तरफ से। बच्चों को और क्या चाहिए, रिया को जो चाहिए था वो उसके पसंद से मिल गया, अपना पूरा मेरी गिफ्ट का है। और राखी के पैसे सृष्टि ने दिए थे निया के कपड़े के लिए, बोले थे अपनी पसंद से कपड़े खरीद लेना, तो ये दो कपड़े हैं एबो की तरफ से निया के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, अब निया दे रही है नब को। निया ने भी कुछ लिया अपने भाई के लिए राखी में, वाह नब के पसंद की चीज है। तो ये है निया का गिफ्ट, इसने अपने पसंद से बोला था यही चाहिए इसको, मिनी पिकनिक कार तो ये है, और ये सब है इसके साथ वो है। तो सृष्टि ने जो पैसे दिए थे तो ईबू की तरफ से मैंने निया के लिए ये एक ड्रेस ली है, ये ऐसा है, ऐसा है, गर्मी है तो अभी ऐसा पहन लेगी। एक ये लिया है और एक ये लिया है, ये है प्लाजो सेट दुपट्टा और ये नीचे का प्लाजो। ये अभी सतीश जी भाभी जी आ रहे हैं तो अनिमेश की तरफ से ये है एनवेलप में पैसे हैं, भाभी जी अपने पसंद से कुछ ले लेंगी। एंड ये बाथ एंड बॉडी वॉक्स का मिस्ट है एंड बॉडी लोशन है। Shrestha Didi is sleeping actually. She went to school today. I don't know. खा रहे हो? नहीं, एक जलेबी बस। मेरा भाई तू मेरा भाई तू। बीच में गाना बजना चाहिए भैया मोरे। Like this? नहीं हो गया वो। वो शाहरुख खान वाला बोला like this. वो sweet actually में tempting दिख रहा है बहुत। So guys हो गई राखी अच्छे से celebrate और वो लोग चले गए। सतीश जी की तरफ से मुझे cash मिला, पिछली बार भी उन्होंने मुझे कैश दिया था कि अपने पसंद से कुछ खरीद लेना, इस बार भी कैश मिला है। नब ने निया को क्या दिया आपने देख लिया, उसकी पसंद का गिफ्ट दिया, ईबू का भी मैंने आपको दिखा ही दिया, और निया ने भी नब के लिए उसके पसंद का कार खरीदा इस बार। उसका मन था कि वो दे नब को कुछ उसके पसंद का, तो एक कार और बाइक खरीदा, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। और मूर्तियां जो मैं लेके आई थी ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। सावन के रहते रहते मैंने स्थापित कर दिया था मूर्तियों को, और मूर्तियों की स्थापना के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करूंगी, क्योंकि बहुत लोगों की अलग अलग सोच होती है, बहुत लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं स्थापना को लेकर। तो मैंने जितना पढ़ा है इस बीच में, जब मेरी तबीयत खराब थी तो मैं यही सब रिसर्च करती रहती थी, जितना पढ़ा जितना सुना मैंने उस हिसाब से किया स्थापना, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं कल। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, टेक वगैरह वगैरह मेडिसिन इतने ज़्यादा चल रहे हैं ना, उस वजह से पता नहीं क्या है, अच्छा नहीं लगता है, बट मैं ठीक है, कोशिश कर रही हूँ ठीक होने की, और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस आज नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे हैं फिर से डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट है, और हम यहाँ फिर से नहीं जाना चाह रहे हैं। दोनों घर में पढ़ाई कर रहे हैं, आज पढ़ाई करने के बाद फिर खेलेंगे, और हम लोग बस वही कैमरा मैन को देखेंगे, बाकी फ़ोन पर तो बात होती रहती है, लैंडलाइन से वो कॉल करते हैं हमें तो कैसा होता है, तो और कैमरा में बात भी कर सकते हैं, तो वो है बस जा रहे हैं। वो जाना ही नहीं चाहते हम, जरा बार घर बोलते बोल होते हैं वो, हम बस चलते फिर। हो गया, डॉक्टर से मिल लिए और ब्लड टेस्ट भी हुआ, अब यहाँ घर पे हैं तो बस घड़ी लगा हुआ है। सो गाइज हो गया, डॉक्टर से दिखा लिया, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, और भी कुछ टेस्ट होना है, अल्ट्रासाउंड होना है, तो उसका अप्रूवल आ गया इंश्योरेंस से, बट यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो सैटरडे। देयर आर ऑलवेज सो मेनी पेजेस व्हेन यू स्टडी। अच्छा वो फोन कर रहा है, अनिमेश ने कॉल करा उन लोगों को, तो लोग पढ़ाई कर रहे वही बता रही है। चलो
चलो आ रहे हैं रास्ते में। तो अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट मिली है सैटरडे रात में 11 बजे ना, 11 बजे रात में, तो तब हम लोग जाएंगे। और अभी कुछ कुछ टेस्ट और होना बाकी है, तो बस वही है, देखते हैं क्या होता है। सो गाइज, मैं घर आ गई थी और आने के बाद मैं सो गई थी और बच्चे चले गए थे नीचे खेलने। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ घर के मंदिर में जो मैंने मूर्तियाँ लगाई हैं। तो कुछ तो मैंने अपने होम टाउन से खरीदा था, जब मैं गई थी खरीदने आपको दिखाया भी था। और ये माता रानी की मूर्ति मैंने दिल्ली से लिया है, सदर बाज़ार में इसी के लिए गई थी। मैंने बात किया हुआ था वहाँ पे एक शॉप में, तो उन्होंने बनवाया था मैंने जैसा बोला था। मुझे एक्चुअली ना ऐसा चाहिए था बब्बर शेड में, बाघ वाली मेरे पास थी, मुझे ऐसी बब्बर शेड में चाहिए थी, तो वो बनाया उन्होंने। तो ये मूर्ति, मेरा बहुत टाइम से मन था कि बब्बर शेर वाली मूर्ति मुझे लेनी है और माता रानी की ऐसी लेनी है, मतलब इस टाइप की मूर्ति। आपने देखा होगा मैं जब भी इंडिया जाती थी तो एक ना एक मूर्ति लेके आती थी, पहले वो लेके आया, फिर दुबई से मैंने वो लिया था, ये लेके आई थी। एक दो मूर्ति मैंने वहाँ खरीद के भी छोड़ा है, लेके नहीं आई मैं। ये नारायण लक्ष्मी जी की मूर्ति मेरे पास छोटी सी पहले से थी, मैंने ये भी खरीदा था वहाँ पे, पर मैं इस बार छोड़ के आई हूँ, अब मैं जाऊँगी तो ले आऊँगी, खरीद के मैंने रखा है। प्रॉब्लम क्या होगा, जो शेल्फ की हाइट है ना ये 9 इंच है, तो 8 इंच की मूर्ति मुझे लेनी थी, करीब 9.5 इंच है, मतलब ये सब तो 6 इंच की है, ये भी ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था हनुमान जी, ये करीब वही 8 इंच की होगी, ये भी 8 इंच की है, सारी मूर्तियां 8 इंच की ही है, राम दरबार भी 8 इंच की है, लेकिन गणपति जी लक्ष्मी जी तो मुझे पता था कि मैं यहीं पे रखूंगी। और अलग अलग क्यों रखा वो भी मैं आपको अभी कारण बताती हूँ, क्योंकि माता रानी की मूर्ति बड़ी है तो बीच में ही अच्छी लगती, अब ये दोनों अगर एक साइड करूंगी तो फिर वो अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने काफी पढ़ा इस बारे में कि ऐसे अलग अलग गणपति जी और लक्ष्मी जी को रख सकते हैं कि नहीं, तो मुझे मतलब पढ़ने में जितना आया उसमें लिखा हुआ था कि रख सकते हैं गणपति जी दीपावली के दिन साथ रख के पूजा करते हैं, वैसे अलग अलग रख सकते हैं। तो मैंने सरस्वती माता की भी मूर्ति खरीदी थी। अब सरस्वती माता की मूर्ति में क्या हो गया कि मैंने 8 इंच ही बोला था, उन्होंने बोला 8 इंच ही है, अब मैंने वो नापा नहीं, मैंने विश्वास कर लिया। एक्चुअली 8 इंच मतलब ये अगर यहाँ से गोल होती ना बाकी मूर्तियों की तरह जैसे ऐसे, तो ये चली जाती अंदर, ये जो थोड़ा निकला है ना इस वजह से अंदर नहीं जा रही, किसी में भी नहीं जा रही है, सारे शेल्फ में मैंने कोशिश किया नहीं जा रही। मैंने सोचा था कि ये सरस्वती माता की मूर्ति मैं एक शेल्फ में रखूंगी और साईं बाबा की मूर्ति एक तरफ इधर और विष्णु नारायण जी लक्ष्मी जी की मूर्ति एक तरफ इधर रखूंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। मतलब सरस्वती माता की मूर्ति कहीं पे भी नहीं, किसी भी पे नहीं हो रही है, तो ये इसी थोड़ा सा की वजह से, बस इस वजह से नहीं जा पा रही है। तो गणपति जी के बगल में सरस्वती जी, जो भगवान की माया, जैसा भगवान चाहे वैसा ही हुआ, सारे भगवान तो वैसे भी एक ही है, बस रूप अलग अलग है, तो वही चीज है, तो यहाँ पे ही रखना पड़ा सरस्वती माता को। ठीक है, अभी और क्या ही कर सकते हैं। सो गाइस, आने के बाद मैं सो गई थी, चेहरा एकदम सोया सोया हुआ लग रहा होगा। अभी मैंने आप लोगों को भगवान जी की मूर्ति दिखाई, तो कुछ तो मैंने अपने होम टाउन में लिया था जब मैं गई थी और डॉक्टर के पास जा रही थी उसी दिन जाके लिया था, और मैंने दिखाया भी था जो लाइट वाले शॉप है वहां पे मूर्तियां थी, तो वहां पे थोड़ा ज्यादा प्राइस था। बट आजकल ना मार्केट में सेम मूर्ति आई हुई है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, जैसा मैं अभी लेके आई हूँ गणपति जी लक्ष्मी जी और वो शिव परिवार, मैंने अपने होम टाउन में भी सेम मूर्ति देखी वो शॉप में, हाँ वहां पे प्राइस ज्यादा था। दिल्ली में भी मैं जहां से माता रानी की मूर्ति लेने गई थी सेम मूर्तियां थी, दूसरे शॉप में भी मैं गई सदर बाजार में वहां भी सेम मूर्तियां, हर जगह सेम ही मूर्ति बिक रही थी। बस यही है कि सदर बाजार में रेट काफी उन्होंने सही रखा हुआ है, हमारे होम टाउन में ज्यादा प्राइस पे बेचते, ऑब्वियसली वहां मिलेगी ज्यादा प्राइस में। बट हाँ, दिल्ली में अगर आप होलसेल मार्केट में लेते हो जैसे सदर बाजार में, बहुत सही प्राइस में आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। बस यही है कि मैं वहां पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहां पे आप मोबाइल नहीं निकाल सकते, इतनी भीड़ थी, चलने के लिए नहीं हो रहा था दोनों बच्चों को पकड़ के। सदर बाजार का होलसेल मार्केट जो आप समझ सकते हो, मतलब आप चल रहे हो वही बहुत है, उस रास्ते में सामने से गाय आ रही है, आप इधर से चल के जा रहे हो, बहुत ज्यादा मतलब वो हो गया था, बैग पकड़ो, किसी ने हमें बोल भी दिया था जब हम रास्ता पूछ रहे थे तो कि अपना मोबाइल और पर्स बचा के जाइएगा, तो फिर मैंने मोबाइल निकाला ही नहीं वहां पे, एकदम डरते डरते गई। रास्ता बहुत पतला था जाने का, रोड पे तो वो रिक्शा स्कूटी वगैरह पूरा लगा के रखे हुए थे, माल ढोने वाले भी गाड़ी वगैरह था, और जो फुटपाथ वाला रास्ता था पूरा राखी बिछा के रखा हुआ था, वहां पे बिल्कुल भी चलने का रास्ता नहीं, और सामने से गाय आ रही थी, इतनी मुश्किल से हम लोग वहां पहुंचे। मैंने उनको ऑर्डर पहले ही दे दिया हुआ था मूर्ति का, बहुत पहले, तो उन्होंने बना के रखा था। बट प्रॉब्लम क्या हो गई थी ना कि वो जहां से फैक्ट्री से
मंगाते हैं बना के, वो कन्फर्म नहीं हो पा रहा था कि आएगी कि नहीं। 15 अगस्त के कारण शायद गाड़ी वगैरह आने में प्रॉब्लम थी या जो भी था, रोक के चेक करते थे कुछ भी, तो इसी कारण से नहीं आया था। मुझे लगा था शायद मुझे ज्यादा ज्यादा मिलेगी नहीं मूर्ति, लेकिन भगवान जी की कृपा की बन के मिल गई। हाँ, ये मूर्ति करीब 14 इंच की है। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि घर के मंदिर में ना बड़ी मूर्तियां नहीं रखी जाती है, बट मैंने पढ़ा, इतना मैंने कुछ सुना नहीं है कहीं इसके बारे में, बट सारी मूर्तियां तो वही 8 इंच की है, बहुत से बहुत 9 इंच की होगी। एक मूर्ति माता रानी की बड़ी है, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी मूर्ति रखने का एक कारण ये होता है कि बड़ी मूर्ति अगर आप रखते हो तो आपको आपको ना उनकी सेवा भी उसी हिसाब से करनी होती है, मतलब ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जैसे मंदिर में देते हैं ना टाइम टू टाइम वैसे। तो वो तो भगवान जी सब समझते हैं आप किस परिस्थिति में हो, क्या हो, तो भगवान जी को सब पता है कि आप कितना दिल से कर रहे हो और क्या कर रहे हो। और दूसरी बात है, जो बड़ी मूर्तियां होती है ना उसमें पावर्स भी बहुत ज्यादा होती है, तो वही होता है कि बड़ी मूर्तियों में पावर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब वो जो पॉजिटिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से आपको ना उस मूर्ति का ख्याल भी उस हिसाब से रखना पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है। बाकी ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, भगवान जी ने कहीं पे ऐसे लिख के तो नहीं दिया, और मैंने इतना कुछ मैंने बहुत सर्च किया, कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ था। बाकी अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी सोच है, आप दिल मानता है मन मानता है तो कीजिए, नहीं मानता नहीं कीजिए, वही बात है। तो वो चीज है, रहा कि मैंने जो मूर्ति की स्थापना की तो गंगा जल से शुद्ध करके मैंने रखा। बहुत लोग घर पे पंडित जी को बुला के भी स्थापना करते हैं, बट मैंने इसके बारे में भी पढ़ा, इसके बारे में भी डिटेल में मुझे ये पता चला, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे पढ़ा भी, कि दो तरह की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक चल प्राण प्रतिष्ठा, एक अचल प्राण प्रतिष्ठा। तो जो अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मंदिरों में होती है, जहां पे आप भगवान जी को भूमि समर्पित कर देते हो कि अब भगवान जी यहां से कहीं नहीं जा सकते, यहां पे वो अचल है। अब जैसे हम जैसे लोग हैं जो किराए के घर में रहते हैं, तो हम उस तरह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं भगवान जी की। घर चेंज करेंगे, हमें लेके जाना पड़ेगा मूर्तियां अपने साथ, या बहुत बार ऐसा होता है कि मूर्ति अगर खंडित हो गई किसी कारण से, या कुछ मूर्तियां ऐसी होती जो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं, आप चेंज करते हो, तो इसीलिए हम उस तरह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। बहुत बार होता है कि पंडित जी आके पूजा कराते हैं, तो अगर बहुत समझदार पंडित जी होंगे, मैंने ये भी पढ़ा है कि तो वो उस तरह से प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे, चल प्राण प्रतिष्ठा पूजा करा देंगे, जो मूर्तियों की पूजा होती है या घर में जो ऐसे पॉजिटिविटी के लिए पूजा होती है वो करा देंगे, लेकिन उस तरह से अगर कराएंगे तो फिर वो अचल प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर इसका मतलब आप भगवान जी को कहीं भी वहां से हटा नहीं सकते, वो प्राण प्रतिष्ठा उस टाइप की होगी। तो ये सब मैंने पढ़ा, मैंने उस हिसाब से किया, बाकी मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, मैं नहीं जानती हूँ। लक्ष्मी जी और गणेश जी भी अलग अलग रखे, तो सब भगवान एक दूसरे के रूप है, बाकी अलग अलग रखने का भी मैंने पढ़ा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि आप अलग अलग रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए भी मैंने रखा हुआ कि कुछ बन भी नहीं रहता ऐसा कि साथ में रहे, और भगवान जी सब जानते हैं ना, तो वो चीज है कि वो तो देख ही रहे हैं कि क्या मजबूरी है, क्यों नहीं साथ रख सकते क्या है, तो बस वही बात है, जैसे जो हुआ उस तरह से रखा है। तो हर बार जाती थी मूर्तियां लाती थी, इस बार जितना हुआ लेके आए हैं, लेकिन बाकी सारे तो चेकिंग बैग में लेके आए, तो डर लग रहा था कि टूट ना जाए, उस कारण से दरभंगा में छोड़ना भी पड़ा हमें दो मूर्तियां, बट ठीक है जाएंगे तो बाकी लेके आ जाएंगे। वो मूर्तियां यहाँ पे थी, जो मूर्तियां नहीं थी वो मैं लाना ज्यादा जरूरी समझती थी, तो वही नारायण जी की मूर्ति थी छोटी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक तो मूर्ति है ना, बाद में वो ले जाऊंगी, वही चीज है। तो अभी तो लगभग जितना मूर्तियां ला के रखना था हो गया है, और ये सब मार्बल की मूर्तियां नहीं है, सब मार्बल डस्ट की मूर्तियां, मार्बल डस्ट की मूर्तियां मिलती है, ऐसे जो भी व्हाइट में मूर्ति मिलेगी आपको या फिर कलरफुल भी मार्बल डस्ट की आती है, और ये भी जो मकराना मार्बल की मूर्तियां होती है या वियतनाम मार्बल की मूर्तियां होती है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया था दिल्ली में, होलसेलर जो होते हैं वो तो मकराना मार्बल की इतनी छोटी छोटी 8 इंच की मूर्ति 10 इंच की मूर्ति करीब 6,000, 7,000, 10,000, 15,000 ऐसे बोल रहे थे, तो ये भी अच्छी क्वालिटी में होते हैं, लेकिन यही है कि मकराना मार्बल की मूर्ति बहुत हेवी होते हैं और लाना पॉसिबल नहीं था, एक एक मूर्ति इतनी हेवी। एक होता है कंपोजिट मार्बल, आप उसमें भी बनवा सकते हो, वो थोड़ी और अच्छी क्वालिटी में होते हैं, मतलब मार्बल डस्ट से अच्छी क्वालिटी में होते हैं। ये सब मूर्तियां मतलब अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है और सुंदर भी दिखती है, लाना भी आसान होता है, बाकी मार्बल की मूर्तियां तो बहुत हेवी होती है और प्राइस भी बहुत ज्यादा है। मैंने सब पता किया उसके बाद ही माता रानी की मूर्ति ली है, तो बहुत पसंद आई हमें और बहुत अच्छा भी लग रहा है, यही है। तो बस चलिए गाइज, अच्छे से राखी हो गई भद्रा काल के कारण, हमने इसीलिए नवनियास से भी 1:30 बजे के बाद ही सेलिब्रेट करवाया, और सतीश जी ऑफिस के बाद शाम में आने वाले थे, सतीश जी लोग शाम में आए थे, तो फिर हमने राखी अच्छे से सेलिब्रेट किया, बस सब कुछ अच्छे से हो गया। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।